हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो टुडे आई वोक अप एट नियरली 5 AM इन द मॉर्निंग, और अभी सुबह ही हो रहे थे 5 बजने के 7 मिनट जैसे। बाकी तो मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि अब से मैं सुबह को उठने वाली हूँ। रात को पढ़ते पढ़ते ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, तो अब से मैंने सोची हूँ कि मैं सुबह को उठूँगी 5 AM को हर रोज़। और पहले उठ के तो मैंने रिविजन कर लिया था जो मैंने लास्ट डे को पढ़ा था, और फिर 1 घंटा रिवाइज करने के बाद फिर मेरी थी न्यूज़पेपर की सेशन जिसमें मैंने न्यूज़पेपर कवर कर लिए। और फिर ना ये बाहर में ना कुछ अजीब सा साउंड हो रहा था, तो मैं बाहर निकल के आ गई थी क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे ही रहती हूँ। मेरा रूम जो 3rd फ्लोर में है और ये मेरे रूम के बाहर में टेरेस है, तो आप लोग सुन सकते हो। पता नहीं कुछ सायरन का आवाज़ आ रहा था, मुझे लगा पता नहीं कुछ आग वाग लग गया या फिर कुछ इमरजेंसी तो नहीं हो गए, तो मैं बाहर गई थी चेक करने के लिए, बट ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। और फिर आके ना फिर मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग वॉक पे ही चलते हैं। और फिर ना मैं ये ठंड ठंड थोड़ी लग रही थी, तो ये शर्ट निकालने में मेरे को सारे कपड़े निकालने पड़ गए बैग से, आगे मुझे वो भी साफ़ करने पड़ेंगे। तो अभी मैं रूम को ताला लगा के निकलने वाली हूँ, और ना वीडियो बना बना के ताला भी नहीं लगा पा रही थी, तो फिर वीडियो ऑफ करके ताला लगा के मैं निकल चुकी हूँ। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ, अभी मैंने जहाँ पे अभी रूम लिया तो वो लोकेलिटीज़ लिए काफ़ी गुड, और सुबह को मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ और अच्छा लगता है काफ़ी, क्योंकि पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और काफ़ी शांत सा एरिया है, तो अच्छा लगता है। तो मैंने 45 मिनट्स का वॉक लिया था और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी आके, और फिर आई वॉज़ बैक इन माई रूम। और अभी मुझे बहुत सारे काम ख़त्म करने थे क्योंकि नहाने के बाद फिर से पढ़ने बैठना है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो रात के बर्तन रखे थे तो वो धो लिए मैंने, और फिर कपड़े आप देख सकते हैं इतने सारे मैंने इसको समेट के बैग में घुसा दिया, रूम को साफ़ कर लिया। भूख लगी थी तो एक लॉटे चौको पाई खा ली मैंने, एंड देन मैं नहाने के लिए चली गई। और नहा के आने के बाद मुझे याद है, अरे मैं तो रूम को साफ़ करना ही भूल गई, मतलब मुझे झाड़ू लगाना था। फिर मैंने लगा लिया रूम को अच्छे से झाड़ू, और नहाने के बाद तो रिचुअल होता ही है पूजा करना, सो आई वॉज़ डूइंग माई यूजुअल पूजा। एंड लाइक आफ्टर दैट मैंने कपड़े भी धोए थे नहाते वक्त, तो मुझे वो भी सुखाने थे, तो मैं गई बाहर छत में सुखाने के लिए। और इतनी अच्छी सी धूप निकली हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कि वेदर वॉज काफ़ी गुड। आज का स्काई भी इतना सुंदर लग रहा था, आप सब देख सकते हैं। और कपड़े सुखाने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, और मैं प्लान कर रही थी कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मैंने आज लास्ट डे को मैंने टारगेट सेट नहीं किए थे। तो फिर मैंने सोचा कि 1 घंटा पढ़ लेते उसके बाद एक साथ ब्रंच कर लेंगे। तो मैंने पानी पीने के बाद मैंने 50 मिनट्स का टाइमर लगा के आई स्टार्टेड रीडिंग इकोनॉमी, एंड देन मैंने पढ़ लिया 50 मिनट्स तक, एंड देन आई टुक सम ब्रेक। एंड 50 मिनट्स का ख़त्म होने के बाद सेशन मैंने सोचा कि अभी खाना बना ही लेते क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो मैंने कुछ गार्लिक अनियंस एंड चिलीज़ को चॉप करके मैंने फ्राई कर लिया, और कॉर्नस रखे हुए थे उनको भी उबाल लिया, टोमेटो उसको भी चॉप कर लिया। और मैंने सोचा कि फ्राइड राइस बना लेते, शेज़वान फ्राइड राइस, क्योंकि मेरे पास शेज़वान सॉस रखी हुई थी और बाद में मैंने बना लिया था, तो इट इज़ लाइक अ वेरी इजी रेसिपी फॉर मी। और मैंने इतने सारे साथ में बना लिए थे सो दैट मुझे लंच में भी से खाना बनाना ना पड़े, क्योंकि एस्पिरेंट लाइफ तो ऐसे ही होता है। सो उसके बाद मैंने सोचा कि अब से मैं ऐसे भी स्टार्ट करूँगी, एंड फॉर दैट रीज़न मैंने ये ऐसे का बुक मंगवाया है विच इज़ फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। ये बुक मुझे 2-3 दिन पहले रिसीव हुआ है, एंड दिस वन इज़ 5th एडिशन ऑफ द 4 बुक सेट, जिसमें आपको और 4 सब्जेक्ट्स के बुक मिल जाते हैं। और ये वाला जो ऐसे का ये लास्ट 11 ईयर के सॉल्व पेपर्स है, तो आप पढ़ोगे तो आपको इसके जो जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि दे आर रिकरिंग इन नेचर और काफ़ी जो थीम्स होते हैं वो आते रहते एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम 2013 से 2023 तक सारे दिए हुए हैं यहाँ पे अच्छे से। और UPSC में आए हुए क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि स्टेट PCS के एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछते हैं, तो अगर आप इन्हें थोरोली स्टडी करोगे कि सॉल्यूशंस अच्छे से दिए हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट इज़ लाइक जहाँ पे दिया हुआ, मैंने देख लिया सारे कंटेंट, तो ओवरऑल एक आइडिया मिल गया था। और जो रेकरिंग जो आपके थीम्स होते हैं आपको पता ही है, एजुकेशन, फिर फिलोसफी, फिर साइंस एंड टेक और इकोनॉमी के जो आते रहते हैं, GDP एंड ऑल दैट, तो मैंने वो देख लिए। और 2023 का भी अभी नया पेपर आया था तो वो मैंने देखा नहीं था अच्छे से, तो वो भी मैंने चेकआउट कर लिए। और मैंने सोचा कि हर रोज़ मैं अभी यहाँ से 2 essays पढ़ूँगी एवरी डे, सो मैंने अभी 1 essay पढ़ लिया था और मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। तो मैं आज का गोल है मैं 2 essay पढ़ूँगी। तो इस बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे वर्डिंग यूज़ किए हुए, तो आपकी वोकैब भी इससे एनहेंस होगी अगर आप पढ़ोगे तो। और जो कंटेंट्स दिए हुए ना वो
काफ़ी यूज़फुल थिम्स है जो आप मेरे साथ राइटिंग भी यूज़ कर सकते हो, आपके कंटेंट भी बिल्ड कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बुक को टॉपर्स ने भी रेकमेंड किया है, मयूर हजारिका सर, गरिमा लोहिया मैम, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो टॉपर्स की जो सबसे बेस्ट डे होती है तो हमें भी वही पढ़ना चाहिए, तो मुझे भी अच्छा ही लगा ये बुक। बुक का प्राइस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जल्दी से इसको चेक कर लो। एंड या दिस बुक कम्स इन अ सेट ऑफ 4 बुक्स, जिसमें आपको बुक 1 में आपको इंग्लिश का बुक मिल जाता है comprising of comprehension, essays, grammars and all. Book 2 is essay, जो ये वाला book है. Book 3 is all about GS paper के questions, जहाँ पे आपको GS paper 1 से 2 तक आपको 660 questions मिल जाते हैं solved, and GS paper 4 के 132 in total. Like in total आपको 792 questions मिलते हैं, जो कि काफ़ी helpful होगा आप लोगों के लिए अगर आप नए से तैयारी start करने वाले हो तो। और 5 mock test for GS 1-4 as per the latest IELTS means pattern is also available. इन सभी books में solutions को काफ़ी research करने के बाद दिशा experts के द्वारा बनाया गया है। एंड या ये बुक्स आपकी IAS मेंस की तैयारी के साथ साथ स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा, तो जल्दी से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गो फॉर दिस बुक एंड टू बाय दिस बुक। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप चेकआउट कर लेना इस बुक को। एंड देन आई टुक सम रेस्ट विच वॉज फॉर लाइक आधा घंटा, एंड देन आई वॉज बैक अगेन एंड आई वॉज रीडिंग इकोनॉमी अगेन, जिसके बाद मैंने विजन के भी हेल्प ले ली थी। और फिर मैंने ना थोड़ी देर के बाद लंच करने के बाद मैंने थोड़ी सी पावर डैम ली थी, क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा था। एंड देन 4:30 बजने वाले थे और अभी मेरा प्रेयर टाइम हो गया, दैट इज़ लाइक 4:27 इवनिंग को अभी का प्रेयर टाइम है नवंबर का, तो मैं अभी प्रेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ी अगरबत्ती जला ली और अभी मैं प्रेयर करने बैठ गई हूँ, क्योंकि ये मेरा रिचुअल है सुबह को पूजा करना एंड लाइक इवनिंग को प्रेयर करना। तो आप लोगों को भी प्रेयर करना चाहिए, मन की शांति के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल स्टेट के लिए भी अच्छी होती है, मेरा जो मानना है। तो आप लोग भी प्रेयर करो एटलीस्ट वंस अ डे, आपके प्रिपरेशन में आपको शांति मिलेगी, लाइक एटलीस्ट आप थोड़े शांत से फील करोगे। एंड या उसके बाद आई वॉज़ बैक अगेन, एंड उसके बाद मेरे को पढ़ना था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने पहले से पढ़ रखी थी, बट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट अगेन बिकॉज रिविजन करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जो ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के जो कुछ पोर्शंस है ना, काफ़ी लाइक साइंस ओरिएंटेड टॉपिक्स है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग इज़ लाइक वेरी क्रूशियल। सो उसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कॉन्सेप्ट्स, तो आई वॉज़ रिवाइजिंग दैम अगेन। एंड देन 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे जैसे पढ़ने के बाद मैंने ली ब्रेक थोड़ी देर 20 मिनट की, और फिर मुझे करना था मैपिंग। अभी मैं वर्ल्ड मैपिंग कर रही हूँ, तो वर्ल्ड मैपिंग के साथ साथ मैं क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के भी जो जो फीचर्स हैं मैं उनको कर ले रही हूँ साथ में। और फिर ना पता नहीं अचानक से ना लाइट चली गई और मेरे इस लैंप में चार्ज भी नहीं लगी, क्योंकि इसको चार्ज करना पड़ता है और मैंने चार्ज नहीं किया था, मुझे नहीं लग रहा था कब तक लाइट आने वाली है। तो मैं बाहर गई तो मैंने देखा अरे बाहर की तो लाइट्स जल रही है बट मेरे रूम की लाइट्स नहीं जल रही, तो मुझे लगा कहीं फ्यूज़ व्यूज़ तो नहीं हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर की लाइट्स जल रही है, मेरे आगे वाले जो रूम है उनके भी लाइट है, मीटर लाइट में लाइट है, मेरे मीटर लाइट में लाइट नहीं है। तो मैंने इस स्विच को ऑन करके भी ऑफ़ किया और अभी आप देख सकते हैं लाइट आके फिर से चली गई, पता नहीं क्या हो रहा है। हे भगवान, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो काफ़ी देर रुकने के बाद लाइट आ गई थी और फिर लाइट चली गई। मैं पढ़ते पढ़ते मैं तो पोमोडोरो कर रही थी 50 मिनट्स का, फिर लाइट की इश्यूज़ के कारण फिर पढ़ लिया मैंने समहाउ, और फिर मैंने लिया किटकैट ब्रेक बिकॉज हैविंग अ ब्रेक इज़ वेरी नेसेसरी। तो या गाइस फिर से लाइट चली गई और अभी तो मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, पता नहीं मैं कैसे ही पढ़ने वाली हूँ, पता नहीं आज रात को लाइट कब तक आएगी और मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। तो अभी मैंने थोड़ी देर लैंप के मदद से पढ़ी थी जो मैंने शूट नहीं कर पाई बिकॉज फ़ोन में चार्ज नहीं थी, और अभी रात के काफ़ी बज गए, मैं सोने वाली हूँ, बट अभी लाइट आई हुई है और अभी मेरे को नींद आ रहा है। तो या मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना जल्दी से, और नई ब्लॉग फिर से आने वाली है। सो बाय।